नमस्कार मतांतर को स्वागत करुछे मु शक्ति। पश्चिम बंगरे निर्वाचन तारीख जेतिके पाखै आसुछि राजनैतिक माहौल सरगरम हवा सहित राजनैतिक हिंसा देखिबाकु मिलुछि। खास करी शासक दलर समर्थक माने विरोधी दलर नेता एवं समर्थकंकु उपरे आक्रमण करबा घटना लगातार भाबरे बढ़ी चालिछि एवं तार केन्द्रबिंदु पलटिछि वर्तमान नंदीग्राम विधानसभा आसन। वर्तमान सारा देश में नंदीग्राम विधानसभा आसन को नहीं चर्चा, कारण ये आसन रे होउछि हाई वोल्टेज मुकाबला। गोटे पटे तृणमूल कांग्रेस रो मुख्य तथा दुई दुई थर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं तांका विपक्ष रे अछंती एकदा तांकर अति घनिष्ठ थिबा तथा टीएमसी रो दुई नंबर नेता सेतेबेले बुलाउथुबा जे कि एबे बीजेपी रो प्रार्थी होइछंती शुभेंदु अधिकारी। दुईजण भितर कड़ा मुकाबला आर पार लड़े होभयों सामान प्रश्न। शुभेंदु होती सेठाकर स्टैंडिंग एमएलए लगातार दुई थर से जीति आसुचे। ममता बनर्जी जे कि प्रथम थर पर नंदीग्राम रु आसी मुकाबला करुँचं जितेबले सामान लड़े पलटि तो राजनीति से प्रचार जितेबले जोरदार हो बीजेपी कर्मी एवं नेता मानू आक्रमण करुछंती शासक टीएमसी रो समर्थक माने गोटे प्रकार रक्त मुखा पलटिछंती टीएमसी नेता और समर्थक। आज नंदीग्राम रे मध्य यार झलक देखा मिली जितेबले किछि बीजेपी रा कर्मकर्ता गोटे सभारे आयोजन जितेबले करुथुले सभारे उपस्थित थिले एवं सेतेबले तांको उपरकु होइतिला मरणांतक आक्रमण। अनेक बीजेपी समर्थक एथिरे गुरुतर होइछंती। सेतेबले प्रचार करुथिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान राली जेतेबले चालीथिला से तांका राली उपरकु भी अटैक करथिले रक्तमुखा टीएमसी रा समर्थक माने एवं एथिरे मध्य किछि बीजेपी कर्मी आहत होइछंती। तो ए घटना को नै कोन रहिछि केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रतिक्रिया प्रथमे आसंतु सुनबा। के बाद हम लोग उतरे, एक खून से लथपथ हमारी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूर्ण पात्र नीचे बैठा है, खून से एकदम लथपथ है। उसको हमें भी घबराहट हुई। हम उनको कोई लोकल की पुलिस थे उनको ढूंढे, उनको अनुरोध किए भाई आप उनको पहले चिकित्सा कराओ। उनको इस हॉस्पिटल में लाया गया। अभी उनको हमने देखने आया, कुछ दिन पहले खबर आया कि भाई यहाँ हॉस्पिटल के सामने गुंडा नंदीग्राम पहले ले जा रहा था, वहाँ गुंडा तब भी हॉस्पिटल के सामने भी खड़े थे, लोकल पुलिस साथ में थी। हमें तो समझ में नहीं आ रही है लोकल पुलिस क्या कर रही है। अभी अभी यहाँ हमने बात किया यहाँ की आईसी से, कोई झा जी थे उनको भी हम गुहार लगाए, अनुरोध किए भाई ये प्रजातंत्र है, चुनाव सभी के लिए है, सबको लड़ने के अधिकार है, लेकिन ये बमबारी होगा, लोगों को जानलेवा हमला होगा। अभी अभी खबर आ रही है कि पात्र का सीरियस कंडीशन हो गया है, उनको अभी स्कैनिंग के लिए बाहर लेके जाना पड़ेगा। मैं यहाँ की प्रशासन को अनुरोध करता हूँ भाई प्रजातंत्र में, अभी अभी फिर खबर आई, फिर अभी एक अटैक शुभेंदु जी की काफिला के ऊपर हुई है। ये तो बहुत घबराने वाली बात है, ये बहुत चिंताजनक विषय। प्रजातंत्र में लोकल पुलिस अगर टीएमसी के साथ मिल जाएगा, मैं चुनाव आयोग को निवेदन करता हूं तुरंत हस्तक्षेप करें, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पेट्रोलिंग बढ़ाएं। लोग परिवर्तन चाहते हैं लेकिन डर भय पैदा करा के, चुनाव और 15 दिन बाकी है, लेकिन ऐसे कार्रवाई करना, ऐसे घटना करना बहुत ही निंदनीय है। आपण शुणुले धर्मेन्द्र प्रधान प्रतिक्रिया एवं जो भली भाव से कहले जेहेतु हारिबार भय घारी वर्तमान टीएमसी शासक टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को, तो से रक्तमुखा पलटिछंती टीएमसी रा कर्मकर्ता। लगातार भाव हिंसा बढ़ी चली, हिसाब दूसरे 380 रु अधिक बीजेपी कार्यकर्ता हत्या कर सारा पश्चिमबंग विभिन्न स्थान में। ए प्रसंगे आज मतांतर आम सहित आज जोड़ी होती वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू एवं आम सहित नंदीग्राम रु अच्छा बीजेपी राज्य बीजेपी मुखपात्र जतीन महांति एवं आम सहित मध्य जोड़ी होती प्रदीप सिंह जे कि तृणमूल कांग्रेस नेता। अच्छा प्रदीप जी आपका स्वागत है,
प्रदीप जी, ये आरोप है कि हारने का डर सता रहा है तृणमूल को नंदीग्राम में, इसलिए वो खून का प्यासा हो गया है। उनका जो तृणमूल के जो सपोर्टर्स है वो बीजेपी सपोर्टर्स को दिन दहाड़े मार रहे हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान का रैली था, उनके ऊपर तो अटैक हुआ, कुछ बहुत गंभीर रूप में घायल हो गए। आप सुन रहे थे उनके रिएक्शन। देखिए सर जी, ये बहुत सारा मंत्री आता है वेस्ट बंगाल में, अभी तो सबको लेके ये लोग कहीं ना कहीं टिकट लेके बहुत बुरा हाल है वेस्ट बंगाल बीजेपी का। ये खुद अपना खुद कार्यकर्ता को मारता है। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी आया तो इसीलिए एक हुआ, ये इन लोगों का अंदर का गोष्ठी द्वंद्व है। जो टीएमसी के लीडर लोग को खुद का पार्टी में ज्वाइन किया और जो पुराना पार्टी मेंबर जो है वो सब लेके अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ये सब लेके ये खुद का अंदर का लड़ाई है वो दिखा रहा है। तृणमूल का लड़ाई है, तृणमूल का आदमी लड़ाई करने जा रहा है। और एक बात सुन लीजिए, शुभेंदु अधिकारी का जो रैली का बात हमला का बात बोले ना, ये 2-3 दिन पहले से चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी जो जब भी नंदीग्राम में प्रचार के लिए जा रहा है तब वहां का बहुत सारा महिलाओं का जो एक ग्रुप आके उसको जूता झाटा ये लेके उसको भगा रहा है। तो ये झाटा और जूता से कोई क्रिमिनल तो नहीं जाता, कोई तृणमूल का वर्कर नहीं जाता। वो वहां का खुद का आदमी का पास जब वोट मांगने जा रहा है। अभी शुभेंदु अधिकारी का ऐसा हाल है कि शुभेंदु अधिकारी को वो जो शुभेंदु का अधिकारी को जो वोट देता था पहले तृणमूल में जब था वो ही अभी उसको भागा रहा है, क्यों तुम टीएमसी छोड़ के बीजेपी को लेके आया। तो ये उसका प्रॉब्लम है, ये तृणमूल का साथ कोई लेना देना नहीं है, उसका गुटबाजी का मारामारी है ये सब। ये तृणमूल को किसी को मार के किसी को ये करके पूरा रक्त से लथपथ करके इलेक्शन जीतना नहीं है। वो लोग जो मर्जी कर सकते हैं, वो जो मर्जी बोल भी सकते हैं, उसका बात कोई सुनने ना सुने ये उन सब का मर्जी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं, प्रदीप जी हमारे पास वो उनका रिएक्शन भी है। जो लोग घायल है और हॉस्पिटल में भर्ती है वो तो बीजेपी के सपोर्टर से, वो तो खुद बोल रहे हैं कि तृणमूल के समर्थक आए और हमारे ऊपर हमला किया, लाठी ठेंगा लेकर वो आए, 100 के तादाद पर थे। एकदम हम बोल रहे हैं तो लाठी लेके आया आके मारा, लेकिन वो लोग तृणमूल का कैसे, वो तो खुद अभी बीजेपी खुद मारामारी कर रहा है। लेकिन वो कोई किसी को नहीं, जो घायल बोल रहे हैं कि वो तो तृणमूल के थे, उनका उनका बाइट भी हमारे पास, उनका रिएक्शन है। आप चाहेंगे तो हम सुना सकते हैं आपको। नहीं, उसका रिएक्शन जो बोलना है वो बोला। उसका अभी जो दो घुट पे बढ़ गया बीजेपी बंगाल में, एक घुट दूसरे घुट को तृणमूल बोल रहे हैं, तृणमूल और दूसरे घुट को तृणमूल बोल रहे हैं। नहीं अभी प्रदीप जी वो आप कुछ दिन पहले तक आप बोल रहे थे कि बीजेपी का यहाँ नामो निशान नहीं है, तो आज बोल रहे हैं कि बीजेपी इतना बड़ा हो गया कि दो गुट में बंट गया और 100 के तादाद पर उसके सपोर्टर्स है एक गुट में, दूसरे गुट में भी ऐसे इतने बड़े सपोर्टर्स है नंदीग्राम। आप जहाँ बोल रहे हैं कि उनका कोई बेस नहीं है, उनके पास सपोर्ट नहीं है, इतने तादाद पर दो गुट में बंट गया बीजेपी और इतने लोग आए उनके पास है। एकदम सही क्वेश्चन पूछा, यही दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। अभी तृणमूल से जितना आदमी लोग गया बीजेपी में, बीजेपी पहले जो था ये दोनों का अंदर एक लड़ाई लग गया बीजेपी के अंदर। सोच लीजिए 100 लोग बीजेपी में था और 200-300-500 आदमी तृणमूल से सीपीएम से जाके उसमें मिल गया, 600 हुआ। एवं 600 आदमी का साथ 100 से और 400 से गुट में बढ़ गया। जो नया है वो पुराने को पीट रहा है, पुराना जो है नया को पीट रहा है, यही तो इशू है। अभी दोनों पक्ष में मिलके बोल रहे हैं कि तृणमूल मार रहा है, लेकिन ये ऐसा कुछ हालत नहीं। ओके प्रदीप जी ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वहां पर है, नंदीग्राम में है बीजेपी के नेता जतिन महंती, जो
उड़ीसा से है, लेकिन वहां पर इंचार्ज है, वहां पर जाके प्रचार कर रहे हैं, वहां पर है वो बताएंगे। सुधा महांती जो कथा प्रदीप बाबू कहते आप शुणिले जवाब दिंतु, ये बीजेपी बीजेपी भितर मरामरी एवं ना उठू ना पड़ू तृणमूल कांग्रेस प्रकृत वास्तव स्थिति कण? जतिन बाबू शुणी पार्टी सीधा अक्षय सांग आसवाक चाहिए वरिष्ठ सांबादिक सहित अच्छा सीत साहु जो कथा ये उठू प्रकृत स्थिति कौन से या? जो कथा ये अभोग आसार आसते जो मैंने बीजेपी रे मिसिले से जो मैंने थिले पुराणा बीजेपी ग्रहण कर पार ना से भितर मरामरी सीत अक्षय साहू अक्षय साहब शुणी पार ओके उभय सहित कनेक्शन हो पार नहीं जतिन महांती आप शुणी पार जतिन बाबू आप शुणी पार तो उभय सहित कनेक्ट हो पार नहीं कि बड़ अभियोग आसुची जे एटी गोटे पटे आसुची जे तृणमूल कांग्रेस से सब कराऊँगी बीजेपी कर्मी को हत्या कराऊँगी अभियोग आसुची किंतु प्रदीप सिंह आम सहित अच्छा तृणमूल कांग्रेस नेता सी कहते बीजेपी बीजेपी भितर मरामरी एटी तृणमूल कांग्रेस रही कौन या पचर कौन हात ना पुराणा बीजेपी एवं नुआ बीजेपी से माने भितर संघर्ष होना पड़ू एटी तृणमूल कांग्रेस किंतु कथा जे आज जो भाई भाव में परिस्थिति सृष्टि होता आज केन्द्रमंत्री राली उपर को अटाक होता मु प्रदीप सिंह पाख पुणी थे जी प्रदीप जी आपसे फिर से जानना चाहेंगे ठीक है आप बोल रहे हैं कि जो नए बीजेपी में जो शामिल हुए दूसरे पार्टी से आए वो पुराने जो बीजेपी के वो नेता थे वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए वो क्लास हो रहा है, लेकिन बीजेपी के जो केंद्रीय जो मंत्री आ रहे हैं उनके ऊपर क्यों वो उनको क्यों उनके रैली को क्यों वो अटैक करेंगे? देखिए आपको मालूम नहीं है ये लास्ट जो बीजेपी कैंडिडेट डिक्लेयर किया था सेकेंड फेज और थर्ड फेज के लिए उसका बाद लास्ट थ्री डेज आप अगर हो सके तो थोड़ा जान लीजिए उसका हेस्टिंग्स में कलकत्ता का हेस्टिंग्स बोल के एक जगह है वो जगह में उसका हेडक्वार्टर है वो हेस्टिंग्स ऑफिस तीन दिन से घेराव करके रखा गया है अभी तक भी क्योंकि वो कहीं बहुत सारा कैंडिडेट लेके उसका खुद का आदमियों का अंदर बहुत सारा खोब है बहुत सारा नापसंदी है बहुत सारा गुस्सा है तो अभी उसका हेडक्वार्टर जो है ऑफिस इन वेस्ट बंगाल वहां भी ये पूरा हजार हजार आदमी बीजेपी का और नया बीजेपी पुराना बीजेपी आके घेर के रख दिया अभी वहां लड़ाई चल रहा है चेयर उठा के एक आदमी दूसरा आदमी को मार रहा है वो क्या तृणमूल करने जा रहा है नहीं नहीं अभी नहीं नहीं मैं हम नंदीग्राम के बात कर रहे हैं नंदीग्राम आज अट्रैक्शन पॉइंट है पूरे देश के लिए नंदीग्राम में क्या हो रहा है पूरा देश ये देख रहा है जो छवि जो दृश्य सामने आ रहा है वो तो ये बता रहा है एक तरफ बीजेपी के वो जो समर्थक है उनके पास बीजेपी का जो विजुअल है उनके पास बीजेपी का वो झंडा लेके खड़े हैं दूसरे तरफ से आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो तृणमूल का वो जो सपोर्टर से नहीं ठीक है आप बता रहे हैं कि वो पुराने नए बीजेपी के बीच ये झड़प है लेकिन अगर सेंट्रल मिनिस्टर कोई आ रहे हैं क्योंकि केंद्रीय नेता कोई आ रहे हैं तो उनको उनको अटैक क्यों करने जाएंगे वो चाहे पुराने हो या नए हो? सर
सेंट्रल मिनिस्टर और जितना सेंट्रल जो उनका सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, सब आके जब ये पार्टी ऑफिस में बैठ रहा है ना, वो पार्टी ऑफिस घुमा घेर के उसको ताला दे रहा है। नहीं, रैली के ऊपर अटैक हुआ ना, लॉकन की कर, आज धर्मेंद्र प्रधान रैली कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक हुआ। प्रदीप जी कटने जा रहा है, आप बोलिए। रैली के ऊपर अटैक हुआ आज, रैली के ऊपर अटैक उसका खुद का आदमी खुद के ऊपर कर रहा है। ओके जतिन बाबू, जवाब रखन तू, प्रदीप सिंह को जवाब रखन तू। जतिन बाबू, ये बीजेपी भीतर गंडगोल, टीएमसी एथिरे नहीं, जो कथा कहते टीएमसी नेता प्रदीप सिंह, तो प्रदीप सिंह जहाँ कहते संपूर्ण अविश्वसनीय एवं या देहरे कौन सी सत्यता ना, संपूर्ण मिछ कथा जोड़ा कि टीएमसी सब कही आसूसी, तार गोटे मिछर ज्वलत उदाहरण आज घटना कौ भाव ए राज्य गणतंत्र संपूर्ण हत्या होती हिंदी में जवाब रखिए भल हम सी बोध बुझ भल बुझीपारते तो हाँ ठीक है, ठीक अच्छी, ठीक अच्छी। तो ये जिस प्रकार की हिंसा की घटनाएं यहाँ हो रही हैं, जिस प्रकार के संतरास का एक राज टीएमसी में चल रहा है, उसको तो उस पूरे देश भर में भर्सना की जा रही है। और मैं इनके उदाहरण पर नहीं जा रहा हूँ, मैं ये उनको पूछना चाहता हूँ, आज ये कह रहे हैं कि चुनाव में प्रार्थी घोषणा होने के बाद ये सब हो रहा है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, जब ये जेपी नड्डा जी पर जो 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 योजनाबद्ध आक्रमण हुआ, जिस प्रकार की उन पर उनके कारकेड पर पत्थर फेंके गए, उन पर जानलेवा हमला हुए, तो ये क्या उस समय कोई प्रार्थी का घोषणा हुआ था? जिस प्रकार की कैलाश विजयवर्गीय पर आक्रमण हुए, जिस प्रकार के लकेट चाचा जी पर आक्रमण हुए, जिस प्रकार के तमाम भाजपा के जो नेता आते हैं उन पर जो आक्रमण होता है, जिस प्रकार की भय के वातावरण पूरे राज्य में है, ये क्या बीजेपी का प्रार्थी घोषणा का नतीजा है, या ये टीएमसी का जो कल्चर है, जो संस्कार है, जो टीएमसी का जो कल्चर है, उसी का एक नतीजा है? आज हम नंदीग्राम आज नहीं, नंदीग्राम से जब से ये टीएमसी का शासन आया है, तब से किसी का सबका जीना हराम हो गया है। वहाँ कोई आदमी 6 बजे के बाद चल नहीं सकता। और जिस प्रकार के वहाँ के केंद्रीय मंत्रियों पर बार बार हमलाएं हो रहे हैं, जिस प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं, क्या ये सब भाजपा के जो कैंडिडेट लिस्ट घोषणा होने के बाद ये हुआ है? जो वहाँ पर जिस प्रकार के योजनाबद्ध तरीके से एक योजना के अनुसार टीएमसी लोगों ने बार बार यहाँ पर आक्रमण किया है, आज केंद्र मंत्री पर आक्रमण किया एवं तमाम नेताओं पर हमला करते हैं, तो ये टीएमसी का जो हारने का जो हताशा का मनोबल है, वहाँ पर ममता दी खुद लड़ रही हैं, आज ही उनको हताशा इसलिए है कि आगे अपना जो हार दिख रहा है, उनको हारते हुए देख जो नज़र आ रहा है, अपना हार नज़र आ रहा है, उस वजह से ये आज टीएमसी की तरफ से ये जो रिएक्शन आ रहा है, केंद्रीय मंत्री पर हमला करना, जनरल सेक्रेटरी पर हमला करना, भाजपा के नेताओं पर हमला करना, कार्यकर्ताओं पर हमला करना, बमबाजी करना, ये छुराबाजी करना कल यहाँ पर भी हुआ है। आप ये क्या बात करें नंदीग्राम का? मैं इस समय मैं कांथी में हूँ, यहाँ से एक नज़दीक का एक विधानसभा है उत्तरकांथी में, वहाँ भाजा चावली जो एक जगह है, वहाँ पर जिस प्रकार के कल के घटना हुए, वहाँ के नेता फिर जाकर रात में पुलिस स्टेशन पर धरना देना पड़ा, वहाँ पर छुराबाजी हुई, 15 से ज़्यादा लोगों पर पत्थरबाजी हुई, उनके घर जला दिए गए, ये क्या सब भाजपा के लोग कर रहे हैं? वो किस लिए करेंगे? जब से ये यहाँ का कैंडिडेट घोषणा हुआ है, प्रार्थी घोषणा हुआ है, आज से लगभग 15 दिन हो गया है, और तब से एक भी अंदर के प्रार्थी के भाजपा के कोई प्रदीप जी जो बता रहे हैं, जतिन जी वो जो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि ये बीजेपी में क्लास है, लेकिन ये तो बीजेपी जो नेताओं के ऊपर वो अटैक का सिलसिला वो कई दिनों से चला आ रहा है एकदम, तो तब से क्या बीजेपी खुद के ऊपर अटैक करवा रहा था? सुन लीजिए जतिन जी, आप जो बोले कि तृणमूल कांग्रेस 10 साल से जब से आया है नंदीग्राम में, आप देख रहे हैं, आप कौंटाई में आप अभी बोल रहे हैं खड़ा है, तो नंदीग्राम में 10 साल में जो आदमी 10 साल का अंदर 5 साल जो आदमी आपका जो एज पर योर वर्सन जो आदमी सबसे खराब काम किया है उसको आप बीजेपी ने टिकट दिया है, उसका रिएक्शन अभी जनरल पीपल के पास से आ रहा है, वो जो खराब काम किया है, इसीलिए तो वो अगर बीजेपी अगर उसको टिकट देगा तो आदमी जितना जनरल पीपल है जिसका ऊपर इतना दिन अत्याचार हुआ है एज पर योर वर्सन। प्रदीप जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा,
प्रदीप जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, जिसको आप सबसे खराब परफॉर्मर बोल रहे हैं, सबसे खराब परफॉर्मर एमएलए जिसको बोल रहे हैं, उनको कल तक तो गोद में बिठा कर रखे थे आपके चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनके बहुत खास थे, तो वो क्यों निकाल नहीं दिए, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, वो काम नहीं कर रहे थे अपने इलाके में, अपने कंस्टिट्यूएंसी में? अरे हम तो नहीं बोला, ये जो आपका जतिन जी बोल रहे हैं इसीलिए हम बोला, तो हम जतिन जी बोला इसीलिए हम बोला, हम नहीं तो हम तो कुछ नहीं बोला, हम तो बोला जो नंदीगांव कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरा पास तो ऐसा कोई नहीं है, 10 साल जतिन जी तो 10 साल का ये दिखाया, 10 साल में ऐसा कुछ नंदीगांव का ऐसा बड़ा कुछ हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन तब भी कोंटाई में खड़ा होकर आप बोल रहे हैं बगल वाला। अब बोलिए तो जतिन जी, अगर सच बात बोल रहे हैं, हम तीन दिन सेंट्रल ऑफिस बीजेपी का वेस्ट बंगाल का सेंट्रल ऑफिस गिरा रखा हुआ है, वो क्या तृणमूल कर रहा है? ओके ठीक है, मैं आऊंगा। ओके प्रदीप जी, प्रदीप जी में घाव करके रखा है वो क्या? प्रदीप जी अच्छी बात है, मैं लौटूंगा आपके पास। सीनियर जर्नलिस्ट अक्षय साहू मध्य हम से जोड़ी हुई चिंतित साहू सुनी पड़ती। प्रकृतरे स्थिति कौन जो कथा एटी उभय पक्षर आपण कथा सुनिले, एटी तृणमूल कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह कहउचंती ये बीजेपी पुरुणा बीजेपी नुआ बीजेपी भितरे गंडगोल, एवं जो कथा जतिन महांती कहउचंती ये त आजिकार कथा नुए, ये विगत किछि वर्ष धरि लगातार भाबरे टीएमसी टार्गेट करि आसुछि बीजेपी नेता मानुकु, एवं नंदीग्राम जेहेतु सबुठु बडा फाइट वर्तमान चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिछि, तेणु आ रक्तमुखा पलटिछंती टीएमसी समर्थक। एक्चुअली इट्स अ फैक्ट दैट आपणकर आफ्टर 2019 आफ्टर 2019 इलेक्शन सेठी हम देखुचे बोथ दी पार्टीज आर क्लासिंग टुगेदर, एवं सेथरे इन मोस्ट ऑफ दी केसेस दी बीजेपी पीपल हैव सफर्ड लॉस टू ग्रेट एक्सटेंट इन कंपेरिजन टू बीजेपी आपणकर टीएमसी देयर लॉस इज वेरी मिनिमल, बट बोथ दी पार्टीज इट्स अ फैक्ट दे हैव फॉट पिच्ड बैटल दिस प्रदीप सिंह कैन नॉट डिनाय एक्चुअली। तो जदि आम देखा जे से आपणकर दिस तृणमूल कांग्रेस आम सेंग इट इन इंग्लीश दिस तृणमूल कांग्रेस हाज एक्सपीरियंसड दिस ब्लडबाथ जो हे सीपीएफ लेफ्ट पार्टी जो रूलिंग दि स्टेट तृणमूल कांग्रेस पीपल हाट दे हाट सफर्ड ए लॉट बिकॉज दे लॉस्ट द मेनी पीपल। बर्तमान दि सेम कैंड अफ सीन इज बिंग रिपीटेड व्वेर व्वेन दि बीजेपी इज ट्राइंग टू गिव ए गुड फाइट टू दे आर टार्गेटिंग बीजेपी पीपुल। सो आम कहीपर जो मैंने ये दि टीएमसी पीपुल सुड रिफ्रेन फ्रम सच कैंड अफ आक्टिविटीज सो दैट ए आटमोसफियर विल प्रिभेल व्वेर दोज पार्टी दि टू पार्टीज विल हाव ए लेवल प्लेइंग फिल्ड। But instead of doing that, what the TMC people are doing, that when they are apprehending some threat from BJP, they are creating, I should not say that only TMC is creating, when the two parties, they come to the ground and fight, naturally such clashes take place. But ultimately, as it is seen, the TMC people are using state agencies to target the BJP people. So it's not happen in a democratic setup actually. That's the point I want to make. Okay, Pradeep ji, quickly react कीजिए। Police अभी वो शासक तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहा है वहाँ पर, ये allegation है। कैसे होगा सर? ये तो अभी निर्वाचन कमीशन इलेक्शन कमीशन के अंडर में चला गया, अभी तो पुलिस का मालिक है इलेक्शन कमीशन, तो अभी शासक का इंस्ट्रक्शन क्यों सुनेगा, मेरा बात क्यों सुनेगा वो पुलिस? पुलिस तो इलेक्शन कमीशन के अंदर में है, लेकिन इलेक्शन के बाद तो वही तो सरकार के अंदर ही काम करना है ना। अरे बाद में अभी क्या चल रहा है वो बोलिए ना, अभी तो इलेक्शन कमीशन के अंदर में है पुलिस। जतिन जी क्विकली रिएक्ट कीजिए, देखिए कितना भी ना माने कितना भी अस्वीकार करे, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को जिस प्रकार के तृणमूल कांग्रेस ने अपना नौकर बना के रखा है, जिस प्रकार के सेंट्रल फोर्सेस को आज गुमराह करने की, उनको जगह दिखाने का, उनका रास्ता दिखाने का, जो काम यहाँ के स्टेट पुलिस करना चाहिए जिस प्रकार के उनको गुमराह कर रहा है, ये भी आप सब सामने आ रहा है। उनको डिप्लॉयमेंट कहाँ होना है, किस प्रकार का होना है, ये तो स्टेट पुलिस का काम है, उसको दिखा रास्ता दिखाने का, जगह दिखाने का, लेकिन उनको लेकर वो अलग अलग जगह दिखा रहे, उनको गुमराह कर रहे, उनको लोग आइडेंटिफाई करने के लिए भी वो दिखा रहे हैं, जो बीजेपी के लोग उनको टीएमसी के लोग करके दिखा रहे हैं, ये सब तमाम नजरें आ रही हैं।
लेकिन बात यह है कि जो प्रकार जो बात प्रदीप सिंह जी ने कहा, मैं ये बात इतना कहना चाहूँगा कि भैया इतने पिछले दो साल से जिस प्रकार की 138 लोगों को आपने मार चुके हो, जिस प्रकार मर्डर हो चुका है, जिस प्रकार की पूरे देश पूरा प्रदेश भर में आपने संतरास फैला रखा है, टेरर फैला रखा है, जिस प्रकार की बमबाजी करके, जिस प्रकार छुराबाजी करके आपने आतंक का माहौल बना रखा है, ये क्या आज हमारा प्रार्थी का बीजेपी का प्रार्थी घोषणा करने के बाद हुआ है? अखिल साहू जिते जिते समय पाखे वोट मतदान आपण को लगुच एक घंटा घटना आहरी बढ़ हिंसा आहरी बढ़ नंदीग्राम रे समान प्रश्न उभय दल पाई निश्चित भाव रे एटी हिंसा बढ़िबो। आमे देखिथिले ए ब्लड बाथ ए भलिया ब्लड बाथ हेतला जेतबेले लेफ्ट पार्टी चुको गादीच्युत करया पई टीएमसी सेतबेले उद्यम करथला सेही समय लेफ्ट पार्टी तरफ रु ए भले घन घन आक्रमण करायथला एवं लेफ्ट पार्टी हैड टू पे ए हेवी प्राइस, दे हैड टू लूज पावर एंड आई विल नॉट आई एम अफ्रेड दिस सिमिलर काइंड ऑफ फेट आल्सो आपनर हेई पारे इन केस ऑफ तृणमूल कांग्रेस जेते आक्रमण करबे दे विल फेस द म्यूजिक एंड नेगेटिव इंपैक्ट पड़िबा आपन को लागो। ओके बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। श्री जतिन महांती बहुत-बहुत धन्यवाद एवं श्री अखिल साहू बहुत-बहुत धन्यवाद प्रसंग रे आपनकर मत रखितबारु। त तृणमूल कांग्रेस एवं बीजेपी परस्पर को दोषारोप करूछंती किंतु निर्वाचन जेति की पाखौछी माहौल सरगरम होउछी एवं एठी गोटिए कथा जो कथा लगातार भाबरे ट्रेंड सामना को आसी बीजेपी शक्ति वृद्धि आसूची एवं तृणमूल कांग्रेस रु तमाम बड़ बड़ नेता आसी बीजेपी रे सामिल होती से बोधुए गोटे परिवर्तन हवा बहुत जहाँ तृणमूल कांग्रेस को भय घारी से रक्तमुखा पलटि टीएमसी एक कथा से अनुभव होगी अभोग आसूँ। समय हो मतांतर क्विट रखा। नमस्कार।